एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल गाइज हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था मार्केटिंग और आज हम मार्केटिंग को थोड़ा आगे लेके चलेंगे मार्केटिंग में आज थोड़ा मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसको ऑलमोस्ट थर्टी टू फोर्टी परसेंट आज कंप्लीट कर लेंगे दो क्लासेस अभी और लेगा और आपका बिजनेस स्टडीज के साथ साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा तो, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आई होप आप लोगों ने इस थर्टी मार्क्स की सीरीज को बहुत सीरियसली लेके मेरे साथ साथ तैयारी करी है आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन हुई है मुझे कॉमेंट्स में बताना और आज के बाद हम लोग और अच्छी मेहनत करेंगे इस चीज़ का प्रॉमिस भी करना चलिए लेट्स भी कैन आज का जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है मार्केटिंग मिक्स सर मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब हुआ देखो मिक्स शब्द ना आपको कई बार आगे देखने को मिलेगा प्रोडक्ट मिक्स प्राइस मिक्स प्लेस मिक्स प्रमोशन मिक्स तो जब भी मैं मिक्स वर्ड का यूज करूँगा तो समझ जाना मिक्स का मतलब है वो सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड होंगे जैसे मैंने बोला प्राइज मिक्स तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हुए कौन कौन से कॉम्पोनेट कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे वो प्राइस मिक्स हो जाएगा मैंने बोला प्रोडक्ट मिक्स तो प्रोडक्ट को बनाते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन करते हुए कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे प्रोडक्ट मिक्स हो जाएगा मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब हुआ कि पूरी की पूरी एंटायर मार्केटिंग करते हुए जो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन एलिमेंट्स कॉम्पोनेट्स आएंगे उन सबको हम लोग बोलेंगे मार्केटिंग मिक्स ठीक है देखो क्या लिखा है मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू इनग्रीडियंट्स और द टूल्स और द वेरिएबल्स मार्केटर जो मार्केटर यूज करेगा तरीके से, tools, बहुत सारे है, सही है। अब मार्केटिंग मिक्स में बच्चों मेनली चार चीजें आती है देर आर फोर पीस दीज एलिमेंट आर मोर पॉपुलरली नोन एज द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग चार पी है कौन कौन से पी है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन किसी भी कंपनी को एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है या किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग करने के लिए चार चीज़ें होनी ज़रूरी है सबसे पहले तो प्रोडक्ट जिसकी मार्केटिंग करनी है उसका प्राइस क्या होगा तीसरा वो कैसे जगह जगह तक पहुंचेगा चौथा उसको प्रमोट कैसे करेंगे तो चार चीज़ें आएंगी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन आज हम शुरू करेंगे प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है देखो प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रोडक्ट देखो अगर मैं पढ़ा रहा हूं भले ये सर्विस है लेकिन मैं इसको मार्केट करूंगा तो बोला जाएगा प्रोडक्ट ही ठीक है तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट टेंजिबल ही हो इन को भी प्रोडक्ट ही बोलते हैं बैंक जो आपको सर्विसेज दे रहा है वो भी भी प्रोडक्ट है कम्युनिकेशन जो आपको सर्विसेज दे रहा है प्रोडक्ट है इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में टेंजिबल भी आता है इनटेंजिबल भी आता है इन सबसे बिजनेस होता है राइट तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है द प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मेक सिग्निफाइज द टेंजिबल एंड इन प्रोडक्ट ऑफर्ड

पैकिंग कैसा होना चाहिए ब्रांडिंग लेबलिंग कैसे करेंगे इसकी इट इंक्लूड्स क्वालिटी डिजाइन डेवलपमेंट पैकिंग लेबलिंग ब्रांडिंग ये सब इसके अंदर आ जाता है ठीक है एग्जाम्पल देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रही है जैसे सोप्स डिटर्जेंट टी टूथपेस्ट ये सब राइट अच्छा जी अब प्रोडक्ट में बेटा जो सबसे पहला एलिमेंट आता है प्रोडक्ट में हम लोग को तीन एलिमेंट पढ़ने हैं याद रखना ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे तीन ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग सर व्हाट इज ब्रांडिंग ब्रांडिंग क्या होता है सबसे पहले तो देखो ब्रांडिंग का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट का अपना नाम रख देना जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोलता हूँ मोबाइल फोन मोबाइल फोन इज अ जेनरिक नेम जेनरिक मतलब कि वो चीज जो इसका एक्चुअल नाम है सैमसंग नोकिया एम आई एप्पल ओप्पो वीवो पता नहीं कितने सारे और आ गए हैं तो ये जितने भी नाम है, ये हैं ये सब ब्रांड नेम्स हैं ये कंपनीज नहीं चाहती कि इनके मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के नाम से जाना जाए ये चाहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट को हमारी कंपनी के नाम से जाना जाए ताकि उसकी अलग पहचान हो सके इसी को हम ब्रांड नेम बोलते हैं तो कोई भी चीज़ होगी जैसे सपोज ये बोर्ड ही है इसको अगर मैं डिजिटल बोर्ड बोल दूंगा तो इसका ये नॉर्मल नेम हो जाएगा जेनरिक नेम लेकिन जिस कंपनी का है अगर उस कंपनी के नाम से बोलूंगा तो फिर ये उसका ब्रांड नेम हो जाएगा मैं अगर ये कैमरा यूज कर रहा हूं तो सिर्फ कैमरा बोलता हूं तो ये इसका जेनरिक नेम हो गया इसकी कंपनी का नाम बोलूं भैया कैनन है निकन है सोनी है, है तो फिर वो कौन से हो गए ब्रांड नेम्स हो गए तो डिफरेंस देखो ब्रांडिंग क्यों करी जाती है ताकि एक तो आपके प्रोडक्ट को अलग से पहचाना जा सके दूसरा आप उस चीज से एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर पाओ भाई एप्पल एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा ना अपने फोन के क्योंकि वो बोलता है कि हम तो ब्रांड है

अलग दिखा सकते हो जैसे एप्पल बोलता है हम तो ब्रांड है बोल देगा ना एप्पल की वी आर ब्रांड राइट तो हम बोलेंगे अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोई नाम हो सकता है कोई सिंबल हो सकता है कोई डिजाइन हो सकता है तो ब्रांड के बहुत सारे फॉर्म्स भी हो सकते हैं जैसे कोई नेम उसको हम ब्रांड नेम बोल देंगे कोई सिंबल हो जाएगा तो उसको हम ब्रांड मार्क बोल देंगे है ना तो ब्रांड किसी भी फॉर्म में हो सकता है नाम के फॉर्म में हो सकता है सिंबल के फॉर्म में हो सकता है डिजाइन के फॉर्म में हो सकता है इट इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर बट ऑल्सो टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर देन द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट आप सिर्फ पहचान के लिए नहीं आप इसलिए बनाते हो कि हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर है ठीक है जैसे बाटा लाइफ बॉय ये सब ब्रांड है ओके okay. अच्छा ब्रांड मार्क क्या है मैंने बोला ना ब्रांड अलग अलग तरीके से हो सकता है नाम से हो सकता है सिंबल से हो सकता है तो मार्क का मतलब सिंबल हो गया सीधा सीधा राइट दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी रिकॉगनाइज बट विच इज नॉट अट्रेबल जो बोला नहीं जाता लेकिन आप पहचान सकते हो भैया किसी शू पे इस तरीके से साइन लगा हुआ है तो आप बोल दोगे नाइकी है देखते ही पहचान गए तो ये क्या है ये एक सिंबल था दैट इज देयर ब्रांड ब्रांड मार्क नेम जैसे मैंने बोल दिया कि ये नाइकी है इसको मैं बोल सकता हूं तो दैट इज देयर ब्रांड नेम दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन उसको हम ब्रांड नेम बोलते हैं ठीक है बच्चों अच्छा एक बात और समझना ये जो ब्रांड मार्क है इस ब्रांड मार्क को जब आप अपने नेम पे रजिस्टर करा लेते हो गवर्नमेंट के पास कि अब ये हमारा हो गया हमारे अलावा इसको कोई और यूज नहीं करेगा तो फिर उसको क्या बोल देते हैं हम ट्रेड मार्क बोल देते हैं ओके देखो लिखा हुआ है ब्रांड और अ पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड अ ट्रेड मार्क जिसको आपने लीगल प्रोटेक्शन दे दिया उसको हम ट्रेड मार्क बोल देते हैं तो एक ब्रांड मार्क जब तक प्रोटेक्टेड नहीं है तब तक ब्रांड मार्क है जिस दिन वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा तो वो ट्रेड मार्क हो जाएगा ओके okay, चलो सर डन ब्रांडिंग के बारे में कुछ कुछ चीजें समझ में आई एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या क्या क्वालिटीज होंगी ये simple है जैसे ब्रांड चाहिए सिंपल होना चाहिए होना चाहिए लोग बोल पाए right? दूसरा ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव सजेस्टिव का क्या मतलब होता है कि वो नाम से सजेस्ट कर रहा हो कुछ ना कुछ जैसे हाजमोला खाओ हाजमोला और सब हजम हेयर एंड केयर बालों का ध्यान रखेगा फेयर एंड लवली लगाओ सात दिन में गोरापन पाओ तो देखो ये नाम से सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ ना कुछ है ना तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका ब्रांड नेम कोशिश करो कि सजेस्टिव हो ओके okay. अगला लिखा हुआ है इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए हर कोई प्रोनाउंस कर ले छोटा बच्चा भी बोल जाए ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल एंड मस्ट बी सेलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग देयर मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस समटाइम्स क्या होता है बच्चों की आपने कोई ब्रांड नेम लिख दिया अब वो आपकी लैंग्वेज में तो अच्छा है किसी और लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ और निकलता है तो अगर आप वहाँ किसी और जगह उसको बेचने जाओगे तो लोग उसको गलत समझेंगे तो आपको हमेशा ब्रांड नेम इस तरीके का रखना है जो अडेप्टेबल हो इन ऑल द लैंग्वेजेज और पीपल उसको गलत ना समझें ओके okay? लास्ट क्या होता है ब्रांड नेम शुड बी सेलेक्टेड टू बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव यूनिक होना चाहिए डिस्टिंक्टिव होना चाहिए जैसे एरियल टाइड छोटा मोटा होना चाहिए ज़्यादा बड़ा नाम नहीं होना चाहिए तो ये सब क्वालिटीज़ हैं अच्छे ब्रांड नेम की राइट right? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सर ब्रांड नेम के क्या क्या एडवांटेजेस होंगे सबसे पहले मार्केटर को और फिर कस्टमर को पहले कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो एप्पल ही ले लो अगर आपने आईफोन लिया तो सबसे पहले क्या बोलोगे इंश्योर क्वालिटी अगर एक वो ब्रांड बना है तो ऑफकोर्स अच्छी क्वालिटी दे रहा होगा हाँ इश्यूज प्रॉब्लम सबके साथ आते हैं लेकिन आप कोई भी ब्रांडेड चीज खरीदते हो तो आपके दिमाग में होता है कि हाँ यार गुड क्वालिटी होगा दूसरा हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन आप ब्रांड दूर से ही पहचान सकते हो ठीक है जैसे बहुत सारे बच्चे कई बार मैं अगर कोई टी शर्ट पहनता हूँ जैकेट पहनता हूं तो मुझे कॉमेंट में बता देते हैं कि ये इस ब्रांड की है तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं है है ना तो ब्रांड आपको हेल्प करता प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में तीसरा स्टेटस सिंबल है, है ना भाई लोग आईफोन ले घूम रहे हैं तो उनको यूज है या नहीं है वो स्टेटस के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं जैसे मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल में बताया था कि लोग किस्तों पर प्रोडक्ट खरीदते हैं एप्पल आईफोन किस्तों पर खरीदते हैं उनको जरूरत है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्टेटस सिंबल के तौर पर खरीद रहे हैं तो ये बेनिफिट कस्टमर को होते हैं अगर वो ब्रांड लेते हैं सेलर को क्या फायदा है नंबर वन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एक सेलर बोल सकता है कि मेरा प्रोडक्ट अलग है कैसे ब्रांड के थ्रू विद ब्रांडिंग मार्केटर कैन डिफ्रेंशिएट इज प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट डिफरेंशियल प्राइजिंग आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो आप महंगा बेच सकते हो अपना प्रोडक्ट अगर एक बार ब्रांड बिल्ड हो गया एडवर्टाइज़ करना इजी होता है एडवर्टीजमेंट आसानी से कर सकते हो आप उसके फीचर्स बेनिफिट्स वगैरह सब शोकेस कर सकते हो नेक्स्ट इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट अगर आपने एक बार एक ब्रांड डेवलप कर दिया फिर आप इजीली बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो एप्पल आईफोन भी बेच रहा है एयरपॉड्स भी बेच रहा है घड़ियाँ भी बेच रहा है लैपटॉप्स भी बेच रहा है उसके बाद अब एप्पल कुछ भी प्रोडक्ट निकाल सकता है है ना तो हमने सुना था एप्पल कार आएगी तो अगर कार आएगी तो फिर वो भी उसके लिए बेचनी आसान होगी क्योंकि उसको ब्रांड नेम ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई भी ब्रांड एक बार बन जाता है तो उसके लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करना इज ऑलवेज ईजी राइट इसका स्क्रीन ले लीजिए बेटा एडवांटेजेस हो गए नेक्स्ट आता है बाबू हमारे पास पैकेजिंग ब्रांडिंग हो गया नेक्स्ट इज पैकेजिंग प्रोडक्ट में दूसरा एलिमेंट आता है पैकिंग पैकिंग क्या है किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करना ताकि उसके अंदर डस्ट ना गिरे वो टूटे ना वो खराब ना हो तो स्पलेट से डस्ट से टूट फूट से बचाने के लिए जो हम एलिमेंट यूज करते हैं वो होता है पैकिंग ठीक है तो देखो पैकिंग क्या लिखा हुआ है पैकिंग मीन्स द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट रैपर बनाना कंटेनर बनाना और प्रोडक्ट को उसके अंदर डालना इट इज द बेसिक एक्टिविटी फॉर एवरी कंपनी एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग सक्सेस और फेलियर है ना अब देखो जैसे आप देखो कई बार पैकिंग की वजह से प्रोडक्ट बिकता है अब बच्चों की बहुत सारी टॉफ़ीज होती हैं चॉकलेट्स होती हैं वो सिर्फ इसलिए बिकती हैं क्योंकि वो बड़े शानदार तरीके से पैक करी होती हैं तो पैकिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाता है पैकिंग को हम लोग ये भी बोलते हैं कि भैया पैकिंग आपने करी तो एक तरीके से वो एक सेल्समैन है है ना तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है लेवल्स ऑफ पैकिंग कितने प्रकार की पैकिंग होती है तीन हो गई प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन सर प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है प्राइमरी पैकेज बच्चों वो पैकेज होता है जो प्रोडक्ट के साथ रहेगा जब तक प्रोडक्ट में जान है जैसे ये ट्यूब देखो टूथपेस्ट की ये ट्यूब जब तक आपका टूथपेस्ट खत्म नहीं होता तो ये ट्यूब वहीं रहेगी आप में से कोई भी ऑफकोर्स जाते ही टूथपेस्ट की ट्यूब में से सारा कटोरी में खाली तो नहीं करता होगा फिर रोज ब्रश लगा के ऐसे कोई नहीं करता होगा राइट तो so, होता क्या है टूथपेस्ट के साथ ये ट्यूब रहने वाली है हमेशा तो दिस इज अ प्राइमरी पैकिंग इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स होता है जो यूजुअली लोग वैसे ही फेंक देते हैं या तो हाथों हाथ या दो चार दिन में फेंक देते हैं शुरू में दो चार दिन में शौक होता है डब्बे में रखेंगे फिर फेंक देते हैं वो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए है दैट इज सेकेंडरी पैकेज उसके बाद अगर आपने बल्क में सामान लिया तो बड़े कार्डबोर्ड में पैक कर देंगे या फिर आपको किसी कैरी बैग में डाल के देंगे तो उसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज तो पैकेजिंग कितने प्रकार की है तीन प्रकार की सबसे पहली कौन सी होती है प्राइमरी इमीडिएट पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ रहती है जब तक तो वो यूज नहीं होता सेकेंडरी एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ताकि प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन मिले और वो टूट फूट ना हो तीसरा ट्रांसपोर्टेशन यूजुअली कैरी करने के लिए जो बैग्स मिलते हैं उसको हम ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग बोलते हैं पैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे सबसे पहले लिखा हुआ देखो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आजकल सेल्फ सर्विस का जमाना है तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में आपको सब कुछ खुद ही सर्व करना है खुद ही उठाना है आपको कोई प्रोडक्ट देगा नहीं आपको जाके सेलेक्ट करना है खुद अपने बैग में डालना है और लेके आना है तो हर चीज पैक्ड रखी होती है वहां पे तो पैकिंग की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ती जा रही है विद ग्रोइंग डिमांड फॉर सेल्फ सर्विस आउटलेट्स दूसरा प्रोडक्ट आप पैकिंग से अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सकते हो भैया मैंने एक नॉर्मल शर्ट खरीदी आठ रुपए की और वहीं एक शर्ट पच्चीस रुपए की पच्चीस वाली शर्ट में वही फैब्रिक लगा है जो आठ वाली है पच्चीस वाली लेकिन बढ़िया से बॉक्स में थी पैकिंग ने उसको अलग नेक्स्ट लेवल चीज बना दी तो पैकिंग से क्या होता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन होता है राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन लोग आजकल साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं तो उस कंसिडरेशन में पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है क्यों क्योंकि लोग उसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से पैक्ड है उसको लेना ज़्यादा पसंद करेंगे साफ़ सफ़ाई चौथा इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पैकिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप कुछ भी इनोवेटिव कर सकते हो नया कर सकते हो जैसे ये देखो मिल्क के पैकेट्स बिकते हैं राइट right. तो मिल्क के पैकेट्स बिकना एक इनोवेशन था पहले मिल्क जाके डब्बे में लेके आया करते थे है ना खुद जाते थे दूध निकलवाते थे उसको लेके आते थे फ्रेश मिल्क मिलता था आजकल लोग पैकेट्स में लेने लगे फटाफट से तो एक इनोवेशन था लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया तो ये चीजें बहुत चलती हैं तो ये पैकिंग आपको इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज भी देता है इसका भी स्क्रीन ले लो ये जितने भी हमने इंपॉर्टेंस पढ़े हैं ना बच्चों यही ऑलमोस्ट इसके फंक्शंस भी हैं देखो आइडेंटिफिकेसन प्रोटेक्शन प्रमोशन यूज ऑफ द प्रोडक्ट तो बेसिकली यही सारे इसके ऑलमोस्ट फंक्शंस भी हैं जैसे आप सबसे पहले प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कोलगेट इन रेड कलर इजीली आइडेंटिफाई होता है प्रोटेक्शन आप क्लाइमेटिक अफेक्ट से डैमेज से ब्रेकेज से स्पॉयलेज से प्रोडक्ट खराब नहीं होगा तो पैकिंग बचाएगा प्रमोट कर सकते हो ऐड करना आसान होता है अच्छी फोटोग्राफी होती है वीडियोज़ वगैरह बढ़िया बन जाती है कई बार पैकिंग की वजह से आप प्रोडक्ट को यूज़ कर पाते हो जैसे देखो ये जूस वगैरह आते हैं पैक्ड जूस आ गए पीनट बटर आ गया इस तरीके की चीजें अगर वो वैसे पैक ना हो तो हम यूज कैसे करेंगे तो हम उसको पैकिंग की वजह से अच्छे से यूज कर पाते हैं बच्चों तो ब्रांडिंग हो गया पैकेजिंग हो गया लास्ट आता है बाबू हमारे पास लेबलिंग लास्ट क्या आता है हमारे पास लेबलिंग सर व्हाट इज लेबलिंग लेबलिंग का मतलब होता है कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पैकिंग के ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास एक बैग रखा हुआ है पास में ही फॉर्चुनेटली तो देखो ये एक बैग है कैरी बैग है मैं इसमें सामान लेके आया हूँ ठीक है अब मुझे सबसे पहले तो यही बताना कमेंट्स में कि ये जो बैग है ये कौन सा लेवल ऑफ पैकिंग बनेगा प्राइमरी बनेगा सेकेंडरी बनेगा या ट्रांसपोर्टेशन बनेगा ठीक है पहला तो सवाल ये है दूसरा बच्चों अगर तुम इस बैग को ध्यान से देखो तो ये बैग एक प्लेन बैग भी हो सकता था लेकिन इस बैग के ऊपर कंपनी ने अपना लोगो भी लगा दिया कंपनी ने अपना सिंबल भी लगा दिया और कंपनी ने इस बैग के ऊपर प्रिंट करके दिया तो ये प्रिंट जो कंपनी ने कर दिया ना ये कंपनी की पहचान बन गई इससे कंपनी एडवर्टीजमेंट भी कर पा रही है इससे कंपनी बता भी पा रही है कि हमारा प्रोडक्ट है इसी को हम लेबलिंग बोलते हैं लेबलिंग का मतलब होता है किसी भी पैकेज के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा देना कि इससे कस्टमर आइडेंटिफाई कर लेगा पहचान लेगा और इनकी फ्री में एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगी है ना उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट कंटेंट हो गए उसके अंदर क्या क्या है उसके साथ साथ कई बार गवर्नमेंट के लीगल रेगुलेशंस होते हैं कि अगर कोई डेंजरस प्रोडक्ट है हार्मफुल प्रोडक्ट है तो उसकी वार्निंग भी देना जैसे अल्कोहल्स पे और सिगरेट्स uh, uh, वगैरह पे तो उस पर वार्निंग्स दी होती हैं तो ये सब लेबलिंग का पार्ट है तो लेबलिंग क्या है लेबलिंग मीन्स पुटिंग द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज लेबल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट उसके कॉन्टेंट उसका मेथड ऑफ़ यूज़ ये सब लेबल कैसे हो सकते हैं सिंपल हो सकते हैं एलेबोरेटिव हो सकते हैं सिंपल कैसे होते हैं जैसे आप नॉर्मली शर्ट्स वगैरह के पीछे देखते हो एक छोटा सा टैग लगा होता है दैट इज अ सिंपल लेबल एलेबोरेटिव हो सकता है कि अगर उसका बड़ा सा बॉक्स बना के उसके ऊपर उस शर्ट के बारे में सब कुछ लिखा जाए तो दैट कैन बी लेबोरेटिव लेबल एक और एग्जाम्पल ले सकते हो कई बार दुकानदारों ने ही चीनी वगैरह पैक करके रखी होती है एक छोटा सा टैग लगा के तो दैट इज अंपल लेबल एलेबोरेटिव जो किसी कंपनी की पूरी प्रॉपर पैकिंग के साथ आ रही है चीनी दैट इज अलेबोरेटिव लेबल ठीक है अब फंक्शंस क्या है लेबलिंग क्यों करती हैं कंपनीज नंबर है आइडेंटिफिकेशन देखो बैग से एकदम आइडेंटिफिकेशन होगा ना ब्रांड का नंबर डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है उसके कॉन्टेंट क्या है उसके कॉन्टेंट प्राइस इंस्ट्रक्शन ये सब चीजें तीसरा क्या आता है बच्चों ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट ग्रेडिंग का मतलब आप ग्रेड बना सकते हो कि ये हमारा ग्रेड ए प्रोडक्ट है ग्रेड बी प्रोडक्ट है ग्रेड सी प्रोडक्ट है लेबलिंग की हेल्प से आप प्रोडक्ट को ग्रेड कर सकते हो और ग्रेड की हेल्प से आप ज़्यादा कम पैसे चार्ज कर सकते हो ठीक है चौथा आता है हेल्प्स इन प्रमोशन प्रमोट करना बहुत आसान होता है जैसे प्रमोट करने के लिए हम उस पर लिख सकते हैं ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट ऑफ बाय वन गेट वन फ्री ये लेबल पे ही तो लिखोगे ना लेबल पे लिखोगे तो कितना इजी होगा कस्टमर को अट्रैक्ट करना तो प्रमोशन अच्छा होता है नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ ये भी मैंने आपको बताया कि लॉ कई बार गवर्नमेंट कुछ लीगल रेगुलेशंस रखता है कि आपको लिखना ही पड़ेगा तो वो भी लेबलिंग करती है तो स्क्रीन ले लो बेटा ये सारे फंक्शन ऑफ लेबलिंग हो गए और इसी के साथ फोर पीज में हमारा पहला पी दैट इज़ प्रोडक्ट खत्म अगला प्राइज आता है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो फोर पीज में बच्चे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन जिसमें हमने आज प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया ये वाला एलिमेंट प्रोडक्ट में मेनली ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग ब्रांडिंग समझ गए पैकेजिंग समझ गए लेबलिंग समझ गए यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है चारों में इसको ध्यान से पढ़ के आओ अगली क्लास में प्राइस कल करेंगे कल मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको प्राइस और प्लेस दोनों करा दूंगा प्रमोशन बचेगा और हमारा चैप्टर समाप्त थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू आर लविंग दिस मिलता हूँ बहुत जल्दिया टेक केयर बाय